तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शत्रुघ्न प्रसाद, आप सबका स्वागत है। तो अगर हमारी आवाज़ आपको नहीं पहुँची तो कोई बात नहीं, हमारा बिल्कुल आगे और तूफान आ चुका है। मतलब आगे तूफान है, देख सकते हैं हवा चल रही है, लगता है हमको भी मतलब हवा चल रहा है कि थोड़ा बहुत हमको भी धोखा मार रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कितना तेज चल रहा है, एक बार आप फिर से देख लीजिए जो मुझे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यह है पौधे की स्थिति, और इधर भी देख सकते हैं ये पौधा का स्थिति है। और मैं इस समय अपने छत पर हूँ, देख सकते हैं, और इतना तेज़ी से आंधी चल रहा है कि आप लोगों को क्या बताएं। जैसे लग रहा है इतना तेज चल रहा है ना कि जैसे झोंका मार रहा है आंधी का झोंका, तो लगता है इधर से इधर चले जाएंगे। तो ज़्यादा खराब है, मतलब कुछ नहीं, इस प्रकार से मौसम नहीं पता कि मतलब इतना तेज आंधी चलेगा और इतनी ज़्यादा परेशानी होगी। हमें तो लग रहा है कि पौधा गिर गया किसी के ऊपर तो बहुत ही मतलब दुर्घटना खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम तो भगवान से मना रहे हैं कि मतलब जितना ही जल्दी मतलब ये आंधी कम हो जाए, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे गाँव वालों के लिए। देख ही सकते हैं पूरे गांव की स्थिति कैसी है, चारों तरफ मतलब ये पौधा पौधा ही लगा हुआ है। देख ही सकते हैं सबके घर के बगल में वहाँ पे हमारा घर है, देख सकते हैं वहाँ से मतलब जितने भी पौधे दिख रहे हैं, अगर एक ही पौधा हमारे रख दिया तो सारे मतलब पौधे हमारे घर के ऊपर ही गिरेंगे। तो दोस्तों, हम तो भगवान से यही मनाते हैं कि जिस प्रकार ये आंधी चल रही इसी प्रकार डाउन हो जाए, बाकी सब कुछ तो हमारे हाथों में आए नहीं, हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं, भगवान से तमन्ना ही कर सकते हैं। देख सकते हैं ये एक मतलब हमारे बड़े भैया का लड़का है, ये भी मतलब छत पे आया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं उड़ ना जाए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ आम का बाग है, मतलब हमारे मतलब किसी दूसरे का है, तो अगर हम वहाँ जाते तो वहाँ की मतलब तस्वीरें आपको दिखाते, तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट तस्वीरें थी। जो आंधी चल रही थी, इतना ज़्यादा आम गिर रहे थे, इतना ज़्यादा आम गिर रहे थे कि क्या बताएं। बट हम वहाँ गए लेकिन वहाँ फ़ोन अपना नहीं ले गए थे, इसके लिए हम छोड़ी। तूफान का मतलब देख सकते हैं कितना तेज़ी चल रहा है, जैसे लग रहा है कि पौधा अभी मतलब हमारा कभी कभी इतना तेज़ हवा चलता है कि हमारा फ़ोन लगता है कि हमारे हाथों से छूट जाएगा। और देख सकते हैं हमारे बाल कितना मतलब ज़्यादा उड़ रहा है, बाल भी हमारा बहुत बड़े बड़े हैं, तो देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति ख़राब है यहाँ का। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक किया करें। और आज हमारा वीडियो नहीं ज़्यादा आ पाएगा क्योंकि आंधी की वजह से अभी बरसात भी होने वाली है, मौसम भी ख़राब है, देख सकते हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपना काम करने के लिए, क्योंकि बाइक आंधी बहुत तेज़ चल रहा है, तो अपना सब सामान रख लिया सुरक्षित जगह पर, ताकि अगर बाइक चलते दुर्घटना का भी होता है ताकि तकलीफ ना हो। बाकी जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।